तैयारी अब पूर्ण हो चुकी है, पंडाल वगैरह लग चुका है और बाबा अपने नियत कार्यक्रम के तहत जो आएंगे और विधिवत उनका कार्यक्रम 13 से लेकर 17 मई तक होगा। जो है 12 को कब तक आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, ये जानकारी? हम लोग ठहरने का अभी व्यवस्था सबको नहीं बताए हैं कहाँ रखा जाएगा, चूँकि भीड़ को देखते हुए हम लोग जो है इसको सेक्रेट रखे हुए हैं। बाबा पटना में ही ठहरेंगे और यहीं से डेली तरह पारी जाना और आना होगा उनका। होटल में नहीं? नहीं, होटल में नहीं, होटल में किसी खास स्थान पर आना? खास स्थान पर। अच्छा, एक चीज और लोग जानना चाह रहे हैं कि बाबा आएंगे तो उनका प्रतिदिन वस्त्र चेंज होता है, क्या वो वस्त्र उन्हीं के वहाँ के मुताबिक उनका वस्त्र चेंज होता है? हम लोग उसमें यहाँ जो जो कार्यक्रम होता है सब वहीं के डायरेक्शन से, उन्हीं के डायरेक्शन से होता है। तो वस्त्र की व्यवस्था आपने? नहीं नहीं, हम लोग सब वहीं अपने खुद वस्त्र का व्यवस्था करते हैं। उनका खाने पीने का क्या मेन्यू होगा? वो सब वहाँ से लोग आते हैं उनके खाने पीने के बनाने के लिए, उसके लिए मेन्यू के लिए हम लोगों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वो खुद बनाएंगे? वो उनके उनके साथ जो लोग आते हैं उनके लिए खाना बनाते हैं, वो खुद बनाएंगे और उनका खाना वही? या हाँ। सिर्फ आप लोग कच्चा मटेरियल? हम लोग कच्चा मटेरियल उपलब्ध करा देंगे और खाना उन्हीं के लोग बनाएंगे। जो मेनू भी कन्फर्म नहीं है? नहीं नहीं, वही सब लोग उनका अपना मेनू जो बाबा का रहता है उसी के हिसाब से। उनके साथ रहते हैं? उनके लिए वहाँ के करीब 30 से 40 लोगों के बीच में उनका टीम रहता है। 40 लोग उनके साथ? हाँ हाँ जी। ये तो वस्त्र का हो गया, कुछ यहाँ बताया, कल हम गए थे मठ में तो वहाँ के जो पुजारी हैं वो बताए थे कि हम त्रिपुरम से उनका वस्त्र मंगाया, कांतिपुरम से, कांचीपुरम। उनका अपना जिनका अपना सद्भाव है, प्यार है बाबा के प्रति, तो वो जो वस्त्र देते हैं तो बाबा एक्सेप्ट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं। वो पहन कर भी बैठ सकते हैं? अगर बाबा की इच्छा हुई तो पहन के भी बैठ सकते हैं। जो है एक चीज और जानना चाहेंगे कि भीड़ तो काफ़ी हो गया, कई लोग नहीं भी पहुँच सकेंगे, तो लाइव प्रसारण का क्या क्या व्यवस्था? लाइव प्रसारण वहाँ जो जो लोग हैं जो जाएंगे तत्पाली और अपना लाइव प्रसारण कर सकते हैं। जो ये तो चैनल वाले तो नहीं, आयोजक आप लोग की ओर से? हम लोग भी कोशिश करेंगे जो लाइव चैनल का भी है। हाँ हाँ, लाइव प्रसारण हो, चूँकि लाखों भक्त जो पहुँचेंगे, करोड़ों भक्त बाबा को देखते हैं सुनते हैं, तो सब लोग के पास सुलभ यही आजकल जो है सोशल मीडिया हो गया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा का प्रचार प्रसार होगा। उनका अपना भी चैनल है? अपना चैनल के बारे में हम नहीं बता सकते, हम तो आयोजक हैं यहाँ के, सिंपल बाबा का आयोजन करना, बाबा शुभ शुभ आए और शुभ शुभ जाएं, यही बजरंगबली की कृपा। आप लोग यहाँ कई VIP नेता और वहाँ उनके दरबार में कोई VIP नहीं है, सबका मान बराबर है और बाबा के यहाँ हम लोग सबके लिए द्वार खुला हुआ है, सब लोग आ सकते हैं। सब जानकारी नहीं, ये जानकारी आप लोग को कहाँ से मिली पता नहीं, यहाँ जो लोग जहाँ मन होता है कुछ बोल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कहाँ से ये न्यूज़ निकला है हमको तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से जो न्यूज हम संरक्षक की हैसियत से दे रहे हैं और अध्यक्ष सारस्वत जी हैं और सचिव जो हैं राजशेखर जी हैं, राजशेखर जी मेन एक्टिव हैं और सारस्वत जी भी, दोनों या हम तीन ही ऑफिशियल तो हम लोग देते हैं प्रेस को। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से, जिसको मन जो जहाँ हो रहा है अपने मन से पोस्टर बैनर बना रहा है, तो बाबा के प्रति जो सद्भाव है प्यार है, लेकिन कोई ऐसा निगेटिव न्यूज़, मैं सारे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि कोई ऐसा निगेटिव न्यूज़ नहीं फ्लैश करें जो हमारे कार्यक्रम को जो है विघ्न आए। किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाए? नहीं, सब अभी निमंत्रण का हम लोग अभी लिस्ट ही तैयार कर रहे हैं, यहाँ हल्ला हो रहा है जो निमंत्रण चला गया। यानी अभी तक दिया नहीं गया? नहीं नहीं, अभी अब जाएगा। कितने लोग हो सकते हैं आपके लगभग संख्या? मैंने श्रद्धालुओं की संख्या पूछी। VIP कहने जो उनके दरबार में VIP कोई नहीं है, मुख्यमंत्री हो गए या लालू प्रसाद, ऐसे कोई VIP नहीं। हम लोग डिसाइड करेंगे कि किनको किनको आमंत्रण दिया जाए, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज चल रहा है, तो हम लोग प्रजातंत्र में किसी के
को बोलने से तो रोक नहीं सकते हैं। जब वहाँ जो हम जाकर देखे, वहाँ मंच जो है 75x80 का मंच है, वो बाबा का मंच है। उसके बाद डी एरिया है, क्या VIP लोगों का डी एरिया में है कि? अलग अलग उन लोगों का व्यवस्था अलग थोड़ा सा रखेंगे बैठने का, वो डी एरिया में। डी एरिया से लेफ्ट हैंड साइड, बाबा के मंच के लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे, ये लेफ्ट हैंड साइड जहाँ रोड से आप उतरते हैं, वहाँ हम लोग डी एरिया बनाए हैं। वहाँ जो आमंत्रित, विशेष आमंत्रित सदस्य लोग रहेंगे, उनको बैठाया जाएगा। तो वहाँ कितना कुर्सी लग सकता है लगभग? हम लोग कोशिश करेंगे करीब 200-300 रहे, जो कि हाँ, जो चूँकि लोग आते हैं तो जो थोड़ा पद के हिसाब से भी उनको सम्मान देना पड़ता है, तो वो इसमें मुख्यमंत्री विधायक विधायक भी शामिल हो सकते हैं। जो मैं क्या मुख्यमंत्री क्या सब लोग क्या मंत्री सब लोग आ सकते हैं, बाबा का दरबार खुला हुआ है। मीडिया के लिए क्या व्यवस्था है? मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था रखेंगे। क्या वहाँ पर के मतलब कि अलग हम लोग मीडिया के लिए अलग एक स्लॉट दिए हुए हैं, मंच दिए हुए हैं, उससे मीडिया कवर करेंगे। जो है बस मीडिया वही से वही से उनका अपना चैनल का जो कोई रहेगा, वो अपना जो वहाँ से लोग आते हैं वो अपना ये करते हैं, लेकिन मीडिया जो हमारे लोकल मीडिया के यहाँ जो पटना के जितने मीडिया बंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं प्रिंट, उनके लिए अलग से व्यवस्था हम लोग रखेंगे। आपको भीड़ में नहीं शामिल किया जाएगा, आप लोग भी अति क्या पास क्योंकि काफ़ी संख्या में सबको हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3 बजे, और उसमें हम लोग सब लिस्टिंग करके सब विधिवत होगा, चूंकि लाखों लोग आएंगे। वहाँ पास की व्यवस्था मीडिया को, हम पास नहीं देंगे तब तो सब लोग मीडिया के नाम पे पहुँच जाएंगे जो है, इसलिए पास तो उसको तो लिमिटेड लोगों के लिए रहेगा। वहाँ जो देखे कि मंच और डी एरिया और ग्रीन रूम, ये 3 ऐसी हाँ हाँ कोशिश में हम लोग हैं जो ऐसे रहे। फूल पंडाल तो नहीं ऐसी संभव नहीं है, 3 लाख स्क्वायर फीट को ऐसी करना इट्स ए हरकुलियन टास्क, लेकिन श्रद्धालु जो आएंगे, भक्तगण जो आएंगे, बिहार के कोने कोने से आएंगे, नेपाल से आएंगे, यूपी से आएंगे, बंगाल से आएंगे, झारखंड से आएंगे, सब लोग जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं सब लोग आएंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके भंडारा की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, जो बाहर से कुछ लोग रहने के लिए भी आएंगे तो उनके आवासन की व्यवस्था, सब व्यवस्था हम लोग सुरक्षा के लिए। तो एडीजी बोले हैं कि जितनी मुकम्मल हो सुरक्षा, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। देखिए प्रशासन के बस की बात नहीं है इतने लोगों को संभालना, तो हमारे वॉलंटियर भी जो है करीब 10,000 के आसपास वॉलंटियर का व्यवस्था हम लोग किए हैं, जो इस पूरे भीड़ को संभाल सके। वॉलंटियर में क्या है, गांव ग्रामीण आसपास? ग्रामीण तो वहाँ के आसपास के सारे गांव के लोग जो है स्वतः स्फूर्त जो है वॉलंटियर हैं, सारे लोग लगे हुए हैं तन मन धन से। तो 1,000 जो आप कह रहे हैं ये आयोजन समिति की ओर से 1,000 रहेंगे कि ग्रामीण है? देखिए सब ग्रामीण और सबको मिला के हम लोग जो है 10,000 तक का रखे हैं, चूँकि 3 लाख तक की भीड़ जा सकती है। ये कहा जाए तो फोर्स कितना रहे? फोर्स में जो है, फोर्स तो हमारे पास, हम तो भारतीय पुलिस सेवा से हम रिटायर किए हैं, तो हमारे फोर्स की क्या स्थिति हम जानते हैं ना। तो आप लोग मांग क्यों, लेकिन हम लोग जो है कोशिश करेंगे जो 500 कम से कम कांस्टेबल रहे वहाँ, 500 कांस्टेबल रहे। और हो चुका है उतना रहे? हम लोग रिक्वेस्ट तो 1,000 का किए हैं, लेकिन अब देखिए कितना मिल पाता है, लेकिन मिनिमम 500 मिल जाना चाहिए। कल तो वहाँ कलश यात्रा हम देखने गए थे, कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया। जी जी जी। तो उसके लिए क्या रसीद का कट रहा है क्या? मैंने जो लोग आएंगे, जो लोग जिनको कलश दिया जाएगा उनका तो नाम नोट किया जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन का फीस क्या आता है? 500 रुपये? नहीं, रजिस्ट्रेशन का कोई फीस ऐसा कुछ नहीं है, श्रद्धा से जो श्रद्धा से। कितने अभी तक रसीद कट चुके हैं? ये तो अब हमारे लेखापाल जानेंगे जो है, जो लेखा देखते हैं, हम तो ओवरऑल मॉनिटर करते हैं। कहाँ पे गंगाजल तो संभव है नहीं? गंगाजल हम लोग जो है टैंकर से मंगवा के गंगाजल सारे कलश में कोशिश करेंगे देने का। ये तो रखेंगे क्योंकि यात्रा तो थोड़ा दूरी होना। यहाँ से टैंकर से गंगाजल जाएगा और सारे कलश में गंगाजल भरा जाएगा जो है, उसके बाद कलश यात्रा जो है निकलेगा जो है, हर कलश में गंगा जल ही भरा रहे, चूँकि गंगा जी बगल में है, तब गंगा जल हम लोग नहीं भरें तो ये तो दुर्भाग्य होगा जो है।
पहला आगमन बाबा का 13 को होगा, 13 टाइम मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग। तो सबसे अच्छा वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले प्रवचन करेंगे या मठ में जाएंगे? पहले मठ में जाएंगे, वहाँ राम लक्ष्मण सीता वहाँ पहले से विराजमान है, उनका दर्शन करेंगे और उसके बाद तब फिर मंदिर जाएंगे। प्रवचन तो उनका शाम को 4 से 7 होगा, तो सुबह में ही पहले जाएंगे? प्रवचन से पहले जब ही जाएंगे तो बाबा सबसे पहले भगवान राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन करें, पहला दिन तो करेंगे ही करेंगे, पहला दिन तो करना ही करना है। चूँकि मठ के महंत जी का कोटि कोटि धन्यवाद, 600 एकड़ जमीन हमको उपलब्ध करवाए हैं, उनका तो ऋणी हम लोग हैं, पूरे आयोजक मंडली ऋणी है उनका। तो 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल और 15 लाख स्क्वायर फीट में ये पार्किंग की व्यवस्था और उसके बाद फिर आवासन की व्यवस्था और भंडारा की, तो महंत जी के तो हम लोग ऋणी हो गए। वहाँ लंगर की व्यवस्था की जा रही है ग्रामीणों द्वारा? हाँ, ग्रामीण लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सारे लोग जो है। भंडारा लंगर आप लोग आयोजन समिति कर रही है? आयोजन समिति के तरफ से मठ के सारे लोग लगे रहेंगे, अगल बगल के जितने गांव के लोग हैं वो सरदार से जो देना चाह रहे हैं दे रहे हैं, कोई चावल है कोई आलू है कुछ जो रसद पानी, जो चूँकि लाखों लोग खाएंगे डेली, तो ये भंडारा जो है, आप कभी बागेश्वर धाम नहीं गए हैं वहाँ जाके देखिए, वहाँ हजारों लोग डेली खाते हैं और डेली वहाँ रसोई चला रहता है। प्रतिदिन बाबा का 4 घंटा वहाँ रहते हैं? हाँ, 4 से 7 हम लोग रखे हुए हैं। तो कुछ पहले आएंगे लोग, मान लिया कि कोई लोग मिलना चाहते हैं तो क्या अलग है? वो बाबा के हिसाब से, बाबा जिसको परमिशन करेंगे उन्हीं को मुलाकात होगी, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम किसी को 5 मिनट 10 मिनट बोल दें, ऐसा नहीं है। बाबा जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक हम किसी से मुलाकात नहीं करवा सकते।